राजस्थान के सियासी अखाड़े में बयानों के बवंडर चल रहे हैं। विरोधियों पर एक से बढ़कर एक तीर दागे जा रहे हैं। चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर वो दांव आजमाया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पाले में खींचे जा सके। हिंदू हिंदुत्व जात पात के बयान युद्ध के बीच राजस्थान में कमल खिलाने के लिए तूफानी प्रचार में जुटे योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली की जाति भी बता डाली। हम सबका संकल्प बजरंगी संकल्प होना चाहिए, बजरंग बली का संकल्प। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित है, वंचित है। ये राजस्थान के चुनावी अखाड़े का मिजाज है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली की भी जाति खोज निकाली जिसे दुनिया संकट मोचन कहती है, जिसे अष्ट सिद्धि और नव निधि का दाता कहा जाता है। उस हनुमान जी को चुनावी अखाड़े में योगी ने दलित और वंचित बता दिया। योगी अलवर की जिस जमीन से बजरंग बली को दलित बता रहे थे वो दलित बहुल इलाका है। ऐसे में सियासी पंडितों ने तुरंत मतलब निकाल लिया कि दलित वोट बैंक में चुंबक लगाने के इरादे से सीएम योगी ने हनुमान जी की जाति का जिक्र किया। योगी के इस बयान से राजस्थान ब्राह्मण सभा भड़क गई और बजरंग बली को जाति में बांटने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ को कानूनी नोटिस भेज दिया। देखिए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी के बारे में उठपटांग बातें बोलना, अनगढ़ प्रलाप करना, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया है। उनके खिलाफ हमने उनको कानूनी नोटिस दिया है। उनसे मांग करिए कि या तो 3 दिन में माफ़ी मांग ले, माफ़ी नहीं मांगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया है, उन्होंने उन सब भक्तों का भी अपमान किया है जो हनुमान जी के भक्त हैं। राजस्थान ब्राह्मण सभा को अब सीएम योगी के जवाब का इंतजार है। दरअसल इन दिनों योगी राजस्थान के रण में दोबारा कमल खिलाने के लिए तूफानी प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। बजरंग बली का संकल्प होना चाहिए, राम काज कीन्हे बिनो मोई कहां विश्राम। जब तक राम का काज नहीं होगा, और हमारा संकल्प होना चाहिए जब तक राष्ट्र का काज न हो तब तक विश्राम नहीं लेंगे। मतलब योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया कि बिना बीजेपी को जिताए आराम नहीं करना है। बिल्कुल बजरंग बली की तरह योगी ने पहले हनुमान जी का नाम लेकर एमपी में बीजेपी के पक्ष में लहर पैदा करने की कोशिश की। अब राजस्थान के रण में हनुमान जी के नाम पर दलित वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने की कोशिशों में जुटे हैं जिससे राजस्थान में प्रचंड बहुमत से दोबारा कमल खिल सके। बजरंग बली जंगलों में रहने वाले ऐसे देवता हैं जिनको सत्ता कभी रास नहीं आई, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए जाने गए। लेकिन वोट बैंक के लिए नेताओं ने बजरंग बली के नाम को भी चुनावी दंगल में घसीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान के रण में जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली की जाति का जिक्र किया, विरोधी पार्टियों ने जवाबी प्रहार शुरू कर दिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने तो यहां तक कह दिया कि हनुमान जी को दलित कहना अपराध है। राजस्थान के सियासी रण में योगी आदित्यनाथ जिस आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, शायद भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब चुनाव में देवी देवताओं की जाति बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने नई शुरुआत कर दी, ऐसे में सिर्फ विरोधी पार्टियों के नेता ही नहीं साधु संत भी भड़क गए हैं। भगवान को दलित कहना ये स्वयं अपराध है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो पीएम नरेंद्र मोदी को लपेटते हुए सवाल कर डाला। मोदी जी अपने आप को नीच कहते हैं, ये बताइए अगर ये नीच होते तो इनकी चाय कौन पीता, और अगर ये नीच है तो साहूकार कहते हैं, ये तो साहूकार आते हैं। कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमले के लिए नया मुद्दा मिल गया। न त्रेता युग के हनुमान को योगी आदित्यनाथ ने देखा, न कांग्रेस ने, लेकिन वोट युद्ध में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। प्रमोद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी वोट के लिए किसी को नहीं छोड़ेगी, न जाति को, न धर्म को, न भगवान को। भाजपा ने आज तक जो सत्ता हासिल की है धर्म और जाति के नाम पर बांट कर दी,
अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस टेक्नोलॉजी के युग में ज्यादा एडवांस हो गए हैं। अभी तक इंसान को बांटते थे, अब भगवान को बांटने लगे। त्रेता युग और द्वापर युग के बजरंग बली की जाति खोजकर योगी ने खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी हैरान कर दिया। मोदी सरकार के मंत्रियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। आखिर कोई भी पब्लिक डिस्कोर्स में कोई कारण होता है, अगर कारण भगवान को भी और खुद के जाति और प्रधानमंत्री की जाति पूछना, यहाँ तक जब लोअर आते हैं तो कोई एक आध रिएक्शन ऐसी देता है। मुझे अभी बजरंग बली भी दलित थे कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन अब अगर बजरंग बली दलित थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने बताया होगा जो इतिहास है, तो इतिहास में बजरंग बली दलित थे तो एक बहुत अच्छी बात है। आरपीआई सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की अपनी मजबूरियां हैं। उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से दलित वोट बैंक पर खड़ी है। ऐसे में वो चाह कर भी योगी के बयान से किनारा नहीं कर सकते। राजस्थान का रण जीतने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है। अब तक नेताओं की जाति पर रिसर्च और खोजबीन हो रही थी, अब वोट के लिए भगवान का भी जाति पुराण उल्टा पलटा जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक। राजस्थान के रण में बीजेपी के निशाने पर सीधे राहुल गांधी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि राहुल को मूंग और मसूर में फर्क ही नहीं पता है, किसानों की बात वो करते हैं। मूंग मसूर का फर्क पता नहीं, जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। धुआं क्या होता है कभी जाना है, धुआं क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है, लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। ये राजस्थान के रण से दागे गए तीर हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर दागे हैं। भाषण में मोदी का कोई जोड़ नहीं, अपने खास अंदाज से भीड़ को टस से मस नहीं होने देते। मूंग मसूर के जरिए मोदी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की देश की बुनियादी समस्याओं को लेकर समझ कितनी खोखली है। ये नामदार को कभी ये दिखाई दिया क्या, ये बहनों की तकलीफ का नामदार को पता था क्या? धुआं क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है, लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। अपनी माँ को लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते देखा है, धुएं से आंखों में पानी कैसे निकलता था वो देखा है। और इसलिए दरअसल मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा वोट बैंक गरीबों का है। वोटों का ध्रुवीकरण गरीब और अमीर में किया जा सकता है, इसलिए वो खुद को गरीब का बेटा बताकर सबसे बड़े वोट के दिल में जगह बनाने के लिए चुनावी सभाओं में भावनात्मक बातें कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। राजस्थान में कमल खिलाने के लिए तूफानी प्रचार में जुटे योगी आदित्यनाथ ने तो उदयपुर की जमीन से राहुल गांधी को संन्यास लेने की सलाह तक दे डाली। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 17 चुनाव हार चुकी है, अब तो कम से कम इस चुनावी राजनीति से अलग हट जाओ, नानी के घर जाओ, नानी की सेवा करो इटली में जाकर के। दरअसल राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी के हिंदुत्व को कड़ी टक्कर मिलने लगी है। ऐसे में राहुल हाल में जब अजमेर शरीफ और पुष्कर पहुंचे तो योगी ने तंज कसते हुए कहा कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। राहुल जी को बताना चाहिए कि भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए और नकल के लिए अकल इसलिए, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके पालती मार करके बैठते हैं। राहुल गांधी जी जब गए थे सोमनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए तो घुटने के बल बैठे, तो पुजारी ने कहा भैया ये मंदिर है मस्जिद नहीं है। मौजूदा सियासी समीकरण में बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस भले ही मजबूत हुई है लेकिन अभी मोदी और शाह को चुनाव में हराने वाली स्थिति में नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।